Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear student, Assalamu Alaikum. My name is Abdul Mukid and I read in class 9th Iqbal in school government Shodha APS. Now, we read the 9th class chemistry, chapter number 8. We read the described reactivities of alkali and alkaline earth metals. First, alkali metals. The elements in group 1 in periodic table are called alkali metals. जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसका जो ग्रुप वन होता है उसके जो मेटल होते हैं उनको अल्कली मेटल कहा जाता है, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है। उसके बाद जो हमारे यहाँ जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा के ये सारे अल्कली मेटल्स हैं। जनरल फीचर्स, इनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट बिकॉज ऑफ NS1 वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब शेल वन पे होती है। दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल विच इज़ ईजिली गिवन आउट। इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हम ईजिली निकाल सकते हैं, जो कि दूसरे एटम ईजिली निकाल सकते हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड एज कैटाइन विद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन नेचर। ये हमेशा कैटाइन होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि लिथियम की हमने लिखी है, अगर सोडियम की लिखी है Na, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वैलेंस शेल तो Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, और ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा। लास्ट है, दे रेडियली फॉर्म सॉल्ट विद नॉन मेटल्स। ये हमेशा नॉन मेटल्स के साथ सॉल्ट रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि Na+Cl2, इसलिए हमने इसको सही करना है तो 2 लगा देंगे इसके साथ तो 2NaCl सॉल्ट बन जाएगा। थैंक यू।